यत्न करो। कहने फिर मैं ते अपने मालक नु याद करा। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन विच अजमाया कमाया उही साडे सामने पेश किया। प्रमाण देन लगा बाणी विचों बेअंत जाको मुश्किल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले सबो भजे आसरा चुका सब आसरा ओ चित आवे ओस पार ब्रह्म तन लगे ना तत्थी वाओ जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ न को करे ना किच होवे काज चित आवे ओस पार ब्रह्म तने चल होवे राज। क्षमा करना सी पढ़ते जरूर हाँ पर जो कुछ पढ़ते हाँ जे उदे प्रति साडा विश्वास हो जाए। गुरु पातशाह का वचन है जिनके मन साचा विश्वास जिनके मन साचा विश्वास जिनके मन पेख पेख स्वामी की शोभा पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास आनंद सदा उलास आनंद सदा उलास। आखिर जिन्हों के मन में परमेश्वर से सच्चा विश्वास है वो तो पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए प्रभ राखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्र भागे। तो गल की गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने भई होर पासे ना पटको जी की एक ही पहमानी इस जीव दी अरदास बेनती फरियाद एक कोल ही सुनी जानी ओही सुन वाला है उदे तो वड्डा होर कोई नहीं। तिलंग राग विच गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमांदे ने तिस बिन दूजा नाहीं तुद बिन दूजा नाहीं कोए तू करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। आख्या हे अकाल पुरख तेरे तो वड्डा होर कोई होर किसे दे दरवाजे ते जावां ते क्यों जावां तुदनु छोड़ जाइए प्रभ कै धर आन न बिया तेरी समसर। मैं अगे भी बेनती की सी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 410 ते पढ़ो आसावरी राग विच गुरु अर्जुन देव पातशाह ने फरमाया आख्या जदों तो मैनू ये निश्चा हो गया कारण करण तू हां अवर न सूझै मूहां करै तो होइए हां सहज सुख सोइए हां। आख्या तुसी सारे कारणां दे करन वाले हो दूजा कोई है ही नहीं। तो गल की सारी गुरबाणी दा निचोड़ यह है कि सानू जगह जगह ते भटकण दी बजाए एक अकाल पुरख नाल जोड़न दी अगवाई बख्शिश कीती। आख्या जी की एक ही पहमानी
अवर जतन कर रहे बहुत हेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। एक परमेश्वर का दर छड़ के होर जेड़े दर फड़े ने या यतन कीते, उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हां दी कोई तिल जिनी कीमत नहीं है। एक पासे परमेश्वर की ओट ते दूजे पासे सारे संसार की ओट किसे काम नहीं। इसलिए गुरुदेव कहंदे ने, आओ जरा विचार के देखिए, जिसका तन मन धन सब तिसका। ये शरीर किसने दिता है, ये मन किसने दिता है, ये धन पदार्थ किसने दिते। बस जदों असी गुरु की शरण में बह के गुरबाणी की रोशनी में यह गल समझ ली, फिर सानू होर किसे पासे जाने की लोड़। पढ़ते रोज हां, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। पर कदे विश्वास आ जाए, कदे मन इत्थे टिक जाए, हे वाहिगुरु है सब कुछ तेरा। देखो मैं अपने कोलों तो कुछ नहीं कह रहा, जो तुसी हुणे अरदास करन तो पहला पढ़ोगे, जो दिन विच कई बारी पढ़ते हो, सब नू याद है। पर असीं उहदे विच भी बड़ियां गलतियां करते हैं। कई तो मेरे वीर भैणा पढ़ते, तुम पहे अरदास, नहीं नहीं, तू ठाकुर तुम पै अरदास। पै ते पहे विच बड़ा फर्क है। पै दा मतलब है तुहाडे अगे साडी अरदास, ते पहे दा ते कोई इत्थे मतलब ही नहीं है। पहे दा ते अर्थ बनेगा तुसी अरदास हो गए हो। पर पता नहीं क्यों असी बिना विचारे तो यहोजियां गलतियां पले पा रही हैं। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ये रास की ये पूंजी कैपिटल, जिदे नाल असी संसार विच विचरने, जिदे नाल असी संसार विच सारे काम करने ने, ये रास किसने दिती। बस गुरु की शरण में बह के विचारांगे समझ आ जाए। जिसका तन मन धन सब तिसका, ये सारा कुछ उसका। सोई सुगड़ सुजानी, वो परमात्मा ही ऐसा सुगड़ सुजानी, हर गल नू चंगी तरह जानने वाला। पाठ करना बड़ा उत्तम है, पर पाठ नू विचार के करना उस तो भी उत्तम है। किसे चीज नू देख लेना बड़ी खुशी है, पर जो कुछ देखा है उदे उते अमल करना यह होर भी आनंददाई है। कोई भी दवाई ले लो, चंगी तो चंगी ले लो, वधिया तो वधिया ले लो, कीमती तो कीमती ले लो, उनू सिर्फ रख के वेखी जाओ, मथा टेकी जाओ, क्यों जी दवाई का असर हो जाएगा। तुसी आखोगे नहीं, बस इवें गुरबाणी की जो सिख्या है उस प्रेरणा नू अपने जीवन विच मन ली। गुरुदेव कहने, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बेदनी की खटानी। खटानी का मतलब बन आए, नीकी का मतलब सुंदर, बेदा मतलब है मर्यादा। जदों उसने मेरा दुख सुख सुन लिया, जदों उदे नाल मेरी सांझ बन आई, मेरे जीवन की बनतरी वधिया बन गई। हुण मैनू होर किसे पासे वल झाकण की लोड़ ही नहीं रही। जदों मैनू गुरु के बचना ते विश्वास आ गया, तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना उथे तेरी रख, अग्नि उदर माहे, सुन के जम के दूत नाहे, तेरे छड़ जाए पौजल बिखमसगा, गुर शब्दी पार पाए।
जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाएं, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाए। गुरु ते सानू परमा तो बचा के सीधे मार्ग ते तोर दे, ता जो साडी शक्ति साडा समा अजाई ना जाए, असी होर पासे ना भटकते रहिए। फिर ध्यान दियो, गुरु पातशाह ने इस शब्द की रहाओ की पंक्ति भी समझाया, जी की एक ही पैमानी, जी की एक ही पैमानी, जी की एक ही अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी, तिन तिल नहीं कीमत जानी, तिन तिल नहीं। एक परमेश्वर का दर छड़ के होर भावे कितने भी कर्म कांड कर ले, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तिन का नन्ना मुक्ता है बहुवचन, उन्हां सारे कर्म कांडा की तिल जिन्नी भी कीमत नहीं, भाव उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। गुरु पातशाह समझाते कहने, तुसी सलेट उत्ते सलेटी दे नाल सिवर दे निशान पाओ, एक दो तीन चार पांच जिन्हें मर्जी पा लो, किसे पढ़े या अनपढ़े नूं पुछो भी की लिखिया। हर बंदा सह सुभाए कहेगा कि सिफरे लिखे हुए, और जे उन्हां सिफरिया दे खब्बे पासे एका पा दो फिर पुछो की लिखिया, ता हर एक बंदा कहेगा जी ए ता हुण जे एके दे नाल एक सिफर है ते दस है। ज्यों ज्यों सिफरां वधणगियां उन्हां दी कीमत दस गुणा वध जाए, पर वधी तां जे एक नाल जुड़े। जे एक नहीं हैगा ते बाकी सब सिफर ही ने। नाले पढ़ी जाने आ, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज अवर जतन कर रहे पोते। दास ने शब्द पढ़ के सुनाया से, पर हूं साढ़े बिच एक वादी पै गई, एक आदत पै गई। अभी कोई एक पंक्ति देखते हैं, कोई एक अखर पढ़ते हैं, वेखो जी गुरबाणी में इस तरह लिखा है। भाई गुरमुखो, गुरबाणी में क्यों लिखे है? किस भावना लिखे है? जदों तीकर वो सारे शब्द की विचार नहीं करेंगे, असी कोई निर्णय कोई फैसला नहीं ले सकते। उस इन्ने वड़े लंबे शब्द विच गुरु महाराज ने उन्हां सारे कर्म कांडा नूं रिजेक्ट किया, ते अखीर विच आख्या, हर कीरत साध संगत है सिर कर्मन के कर्म, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे का लैना। तेरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मन राम। तो अज दे शब्द विच भी पातशाह ने सानू ए निर्णा दिता। यह साडी मर्जी है कि यह निर्णा सुनन समझन तो बाद असी फिर भटकते रहिए। साडी फिर अगली पद विच कहिंदे हन, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी। अमृत नाम, उस परमेश्वर का जो अमृत नाम है निर्मोलक ही। दुनिया में हीरे बहुत ने, उन्हां हीरियां की कीमत भी पाउण वाले बहुत ने, पर एक परमेश्वर का नाम रूपी निर्मोलक ही। हर नाम अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसे विटों रहे लोक विल लाए।
ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनों सिर सौंपीए विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वक्त है मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए आख्या जो असी गुरु की शरण में आने ते गुरु सानू की बख्शदा है अमृत नाम निर्मोहक हीरा गुर दीनो मंतानी गुरदे लारे नू सहरी है जिदा मतलब गुरु ने मंत्र उपदेश दिता भाई सब तो उत्तम कोई वस्तु है ते परमेश्वर का नाम है साई नाम अमोल की मना कोई जान दो कितने प्रमाण गुरबाणी विचों दिते जा आख्या नाम तो उत्तम कोई चीज नहीं ते जेड़े नाम नाल जुड़ जाणगे उन्हां दी पछाण की है डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी वो फिर कदे डिगदे नहीं वो कदे डोलदे नहीं वो दृढ़ हो जाते। मैं ते कहना जिन्होंने गुरु दे बख्शे हुए गुण धारण कर ले ने वो कदे डगमगाउंदे नहीं। मैं कई बारी बच्चों नूं पंज प्यारियां दे नाम चेते कराउंदे आं ये दृढ़ कराना भाई देखो गुरु पातशाह ने फरमाया सब तो पहला गुरु दे सिख दे हिरदे विच दया होनी चाहिए जिथे दया आ जाए उथे धर्म आप ही आ जाता ते जिथे दया धर्म आ जाए उथे चंगे काम करन दी हिम्मत आ जाती ते जिन्हां विच तिने गुण आ जाण वो मौकम हो जाते वो कन्फर्म माइंड हो जाते वो दृढ़ इरादे वाले हो जाते ते जिन्हां विच चारे गुण आ जाण वो साहिब बन जाते। ये कोई सिर्फ नामां दी लिस्ट नहीं ये तो वो पांच गुण हैं जेड़े हर गुरु के सिख ने अपने जीवन में धारण करे ते जेड़ा इन्हां नूं धारण कर लैंदा है डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो गुर दीनो मंतानी पूरन होए तिपतानी पूरन का मतलब है मुकम्मल हो जा तिपतानी का मतलब है रज जा संतुष्टि हो जानी जिन्हों परमेश्वर का नाम मिल गया वह फिर कदे मरू मरू नहीं करता जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरन काजा। सुखमनी साहब का पाठ अज बहुत हो रहा खिमा कर एनिया सुख सुसाइटियां हैं हर एतवार बीबियां दे वखरे जथे वीरां दे वखरे जथे सुखमनी साहब का पाठ हो बड़ी अच्छी बात है पर जे कदे पाठ के नाल विचार भी हो जाए प्रभु को सिमरें से बेमोताजे प्रभु को सिमरें से सर्ब के राजे प्रभु को सिमरें से सुखवासी प्रभु को सिमरें सदा अविनाशी। प्रभु का सिमरन प्रभु का नाम इनिया बरकतों का मालक है कि वो मनुख फिर तृप्तानी तृप्त हो रजक पूर्ण हो जाता। वो कहना मैनू हुण होर किसे चीज की इच्छा नहीं असी रोज पढ़ी भी जाने साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। गुरुदेव सानू रोज समझाते भाई जे तुसी चाहुंदे हो तुहानू शांति मिले तुहानू सुख मिले तुहानू सहज मिले तुहानू शोभा मिले तो फिर की करो रसना गुण गोपाल निध गाए रसना गुण गोपाल निध गाए
रसना गुण गोपाल शांत सहज रहस मन उपजेओ शांत सहज रहस मन उपजेओ रहस मन उपजेओ शांत सहज सगले दुख पलायण सगले दुख पलायण सगले दुख अक्षर शांति भी मिलेगी सहज भी मिलेगा रहस खेड़ा विकास भी मिलेगा और सारे दुख पलायन पर जाएंगे। जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहूं ते छूटे भव जल जगत तरायन। गुरु पातशाह ने बड़ी मेहनत करके खोज खोज के लब लब के साड़ी झोली विच चीजा पाई पर असी कदर नहीं की। खोजत खोजत तत विचारेओ दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। आख्या जिसनु गुरु ने कृपा करके ए दात बख्श दिती ओ फिर डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे पूरा होए त्रिपतानी फिर नाम सिमरन की बरकत दे नाल हौली हौली अभ्यास कर दें की हो फिर आज इतने दोष हैं जिन्हों दोषां करके असी उलझे पए ओ की हैं ए मेरा है ए तेरा है ए अपना है ए बगाना। कहते सिमरन की बरकत दे नाल ओए जो बीच हम तुम कछ होते। भगत जी कहते कहते जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही अनल अगम जैसे लहर में ओधद जल केवल जल माही। जदों मेर तेर मुक गई ये वाहगुरु के सिमरन की बरकत है ये वाहगुरु की शरण में आने का लाभ है कि समझ आ जाएगी सब गोविंद है 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बेलानी। उन्होंने होंद ही खत्म हो जाएगी। बेलानी का मतलब है बिला जाना दौड़ जाना भज जाना खत्म हो जाए वो मेर तेर मुक जाए। जिन्हों के अंदरों मेर तेर मुक गई उन्होंने कहा सबको मीत हमें अपन कीना हम सब ना के साजन दूर पर आयो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। एक ही गल समझाई पातशाह ने आख्या जे किसी ने मेर तेर खत्म करनी है ना फिर की करो। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई। फिर क्यों बे अलंकार मिल थैली होई है। अलंकार कहते ने गहने जब तिकर तुहाडे कोल सोने दे वख वख गहने ने तुसी उन्हां दा नाम लवोगे ये कांटे हैं ये मुंदरी है ये छला है ये छाप है पता नहीं कितने गहने हैं पर जे उन्हां सारे गहनिया नूं कुठाली विच पा के गाल दिता जाए फिर वो एक सोने की डली बन जाए। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी
फिर उन्होंने सोना कहा। हुण उन्हां दी जिहड़ी वक्री वक्री शकल ते वक्री वक्री होंद खत्म हो जाए, बस अखीर विच पातशाह तत करदे ने जदों असी इस वखरेव्यां परी जिंदगी तो इस मेर तेर तो इन्हां धड़ियां तो इन्हां पालटियां तो उच्चे उठ जावांगे। पर साडी बदकिस्मती है असी उठदे नहीं। गुरु के सिख अखवांदे होए भी असी वख वख धड़ियां ते संप्रदावां विच वंडे गए, साडी इक विचारधारा नहीं रही। कहने हैं गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु ने, पर जो कुछ गुरु पातशाह कह रहे ने उन्हूं असी मनदे नहीं। जे मन लईए ते प्रगटियो जोत, फिर वह जोत साडे अंदर ही प्रगट हो जाए, बाहर नहीं कदे जान दी लोड़। क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, आ सारिया चीजा आप ही आ जाएगी। सहज कहते ने अडोलता, सहज अडोलता आ गई तो सुख आ गया, सुख आ गया तो शोभा भी मिलेगी। कहते हर चीज प्राप्त हो जाएगी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। हुण साडे अंदर बाजे बजन लग पई अनहत बानी। ये दो शब्द ने गुरबाणी विच, अनहत ते अनहद। इन्हां उत्ते बड़ा सानू उलझाया जा रहा है। खिमा करना, अनहत का मतलब है वो बाणी, वो प्यार दी धुन जिहदा कदे हत ना होवे, ते अनहद का मतलब जिहदी कोई हद नहीं सीमा नहीं। ऐसी प्यार दी लिब लगेगी कि फिर वह कदे अनहत नहीं होगी, भाव उहदा कदे नाश नहीं होगा, वो कदे मुकेगी नहीं। फिर हर वेले की नजर आवेगा, सब गोविंद है 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, निचल की है जिहड़ा कदे चलाए मन ना हो, जिहदा कदे नाश ना हो। एक ऐसा ठिकाणा, एक ऐसी अवस्था बन जाएगी, फिर उस तो कदे डिगांगे नहीं, डावांडोल नहीं होवांगे। पर ये किसने बनी, गुर की ओ बंधा नी। फिर गुरु दे रारे नूं सियारी है, गुरु ने एक ऐसी जीवन मर्यादा बना दिती, गुरु ने एक ऐसी साडी रहत बहत बना दिती, भई जे तुसी इस रस्ते ते चलोगे फिर तुहानू डगमगाण दी लोड़, तुहाडी डगमगाहट खत्म हो जाएगी। फिर तां तुसी सारे संसार दे अंदर उस परमेश्वर दी जोत वरतदी देखोगे, ते उहदा दर छड के फिर किसे होर दर ते नहीं जाओ। कदे होर किसे दर ते जाके अरदास बेनती करन दी लोड़ ही नहीं। जो कहना है दुख सुख तुझ ही पास, फिर वाहिगुरु अकाल पुरख अगे ही बेनतियां करनिया ने, और वो साडिया बेनतियां सुनेगा भी, परवानेगा भी, और हर तरह साडी इउं सहायता करेगा जिवें मां प्यो अपने बच्चे दी करदे ने। बाणी भी ते बेअंत प्रमाण दे के समझाया, भगतां दी सदा तू रखदा हर जी हो तुर तू रखदा आया। प्रहलाद जंत दराख ले हर जियो, हरनाक्ष मार पचाया, गुरमुखा नू प्रतीत है हर मनमुख भरम पुलाया। हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरण। सारे शब्द दी विचार दा निचोड़ है कि सानू एक नाल जुड़ना चाहिए,
एक दे अगे अरदास करनी चाहिदी है और होर जिहड़े कर्म कांड ते यतन ने उन्हां तों पल्ला छुड़ा लेना चाहिदा है। भुला चुकां दी खिमा बख्शनी, समा हो चुका है, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की